देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन पोर्टल और क्लासरूम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप इस क्लास में देखेंगे हिंदी का पार्ट टू रस, जो रस है रस का पार्ट टू देखेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि महत्वपूर्ण कितने रसों के उदाहरण हैं और जो आपके पेपरों में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि रस का पहला पार्ट हम आपको बता चुके हैं, उसमें आप देख चुके होंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं और इसके उदाहरण क्या हैं। अब हम आज एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और एक्सरसाइज भी हम इस लेवल की देंगे ताकि आप किसी भी परीक्षा में हों आपको अच्छे अंक हासिल हो सकें। तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए सभी दोस्तों को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए पेपरों में कितने प्रश्न आ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, स्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है। स्थाई भावों की कुल संख्या होती है आपकी 9 होती है। काव्य में कितने रस होते हैं, जब 9 स्थाई भाव हैं तो 9 ही रस होंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9। अगला काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्ति होती है, आस्वादन का मतलब है किसी भी काव्य को पढ़ने से जो हमें रस की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, अंग का मतलब होता है कितने भाग। आपने पढ़ा होगा रस का संचारी भाव होता है, स्थायी भाव होता है, अनुभाव होता है, इस तरह के कितने होते हैं, 4 होते हैं इसमें अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, 4। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का मतलब शोक होता है तो शोक हो जाएगा। स्थायी रस का श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का हो जाएगा आपका रति। जुगुप्सा, जुगुप्सा आपका विभत्स रस का है, ये आपका 7 का हो जाएगा, डी नंबर। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत का होता है निर्वेद, सबसे लास्ट रस आपने 9 बताया था आपको निर्वेद। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, विस्मय का मतलब होता है जब आपको कोई चीज अचानक पता चले या अद्भुत लगे, यहाँ पर हो जाएगा अद्भुत। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो जो रौद्र रस होता है श्रृंगार रस जो होता है, श्रृंगार रस आपका सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है, शांत, शांत का मतलब होता है जब व्यक्ति ईश्वर की शरण में हो या ईश्वर की आराधना करे या वैराग्य ले ले, इसमें हो जाएगा आपका संसार से वैराग्य होने पर। अगला कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, ये बिहारी जी हैं, बिहारी जी ने आपकी रचनाएं लिखी कृष्ण भगवान के बारे में, और कृष्ण भगवान की जो टोटल रस है वो लगभग श्रृंगार रस में होते हैं, वियोग रस में भी हैं, लेकिन ज्यादातर कवि की जो रचना है वो आपकी श्रृंगार रस में। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस, रौद्र का मतलब होता है क्रोध, ये क्रोध के स्थायी भाव। दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस को सही भेद का चयन करिए, किलक अरे मैं नेह निहारूं, यहां पर आपका इसका हो जाएगा क्रोध। अगला है देख समस्त विश्व सेतु से मुख में, ये सोता विस्मय सिंधु में डूबी, मतलब जब उन्होंने श्री कृष्ण के मुंह में पूरी दुनिया देख ली थी तो एक वो किसमें डूब गई थी, अद्भुत दृश्य में, यह उसका हो जाएगा अद्भुत। अगला है यशोदा हरि पालने झुलावे हल राम दुल राय, जब भी देखिए कभी भी बच्चों की चर्चा होती है ना, यहाँ पर आपका वात्सल रस ही होती है। अगला है नभ में झपटत बाज लेख भूल्यो सकल प्रपंच कंपति तनु व्याकल नयन लावे हिलियो ने रंच। इस उदाहरण में कौन सा रस हो गया, इसमें आपका विभत्स रस हो जाएगा। अगला है आपका गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार आपा आपा मूठ जीवती मरे तो करे पावे करतार, उपयुक्त दोहे में किस प्रकार का रस है,
इसमें आपका श्रृंगार रस है। 19वां है आपका किस रस को रसराज, तो रसराज की बात कही जाए तो हास्य रस ही रसराज ही माना जाता है। तो आपका सबसे बड़ा रस ये रसराज के रूप में आपका हास्य रस होगा। अगला है हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है, तो आपका जो शांत रस है वो आपका नवा रस माना जाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे जो हमने रस के अंतर्गत आपको बताए, और ये उदाहरण टॉप मोस्ट पेपरों में पूछे गए हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये रस आपके परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसके पहले पार्ट में अपने सभी रसों की परिभाषाएं सीखी। रस के बाद अब हम आगे चलते हैं दूसरे पार्ट में। रस के अतिरिक्त तो कुछ अन्य चीजें भी है जो महत्वपूर्ण आपके पेपरों को देखते हुए हैं। उसमें देखिएगा पहला प्रश्न है किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 343 351 तक जो है वहां पर राजभाषा का प्रावधान है। दूसरा प्रश्न है आपका वर्ष 1955 में ईस्वी के गठित प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 1955 ईस्वी के गठित प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष थे आपके B.G. खेर। अगला प्रश्न है जी में निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण जो होते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न आपका, अल्प प्राण में का और गा, छोटा का और छोटा गा ये आपके अल्प प्राण माने गए हैं। अगला हिंदी वर्णमाला के आयोग वाह वर्ण में कौन से हैं, आयोग वाह वर्ण अंक आहा ये जो दो हैं ये आपके कैसे हैं, आयोग वाह वर्ण हैं। अगला है का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं, ये ध्वनि है आपके का गा जा फा, ये चारों जो ध्वनियां हैं ये अरबी फारसी है, मतलब ये शब्द आपके जहां भी मिल जाएंगे यहाँ पर अरबी फारसी शब्द इनसे मिलके बन सकते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, कितने वर्ण होते हैं हिंदी में, आपके 52 वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण कौन से हैं, अघोष वर्ण कौन से हैं, ये आपका जो सा है यह आपका अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं, यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, ला है वो पार्श्विक ध्वनि है, कैसी है, पार्श्विक। अगला है महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, यह आपका दूसरा और चौथा इससे संबंधित है। छ वर्ण किसके योग से बनता है, छ ये का और सा, का और सा के वर्ण ये जो मिलाप से यह आपका छ वर्ण बनता है। अगला हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन की ध्वनि कौन सी है, था, था है ये इस प्रकार की ध्वनि है, हिंदी की सा ध्वनि है, सा आपकी तालब ध्वनि है। अगला है और लास्ट है आपका सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये आपके उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था ये दूसरे वीडियो में, इसके बाद में आपने तत्सम तद्भव का वीडियो इसके पहले वाले पार्टों में प्राप्त किया है। अगले पार्ट में हम आपको एक बेहतरीन टॉपिक के साथ लाएंगे जिसमें आप हिंदी की छोटी छोटी बारीकियों को भी सीख सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और ऑनलाइन स्टडी का बेनिफिट लेते रहें।